हार्दिक पांड्या इंजरी के बाद जब बॉलिंग डाल रहे थे तो उस बॉलिंग में कुछ था ही नहीं जो बैट्समैन को विचलित कर सके, क्योंकि वो अपने स्पीड और स्विंग दोनों को खो चुके थे। जो पांड्या पहले 140 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकते थे वो अब 120 और 25 की रफ्तार पर आ गए थे। बैट्समैन अब उन्हें आसानी से शॉट्स मार रहे थे। बॉलिंग के साथ साथ 2021 में पांड्या के बैटिंग में भी डाउनफॉल आने लगा। IPL से लेकर इंडियन टीम तक पांड्या के खेलने का तरीका एकदम साधारण सा हो गया। वर्ल्ड कप में रहे पांड्या के साधारण परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें इंडियन टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया और कहा गया कि जब तक वो अपने फिटनेस के पीक पर नहीं होंगे उनकी जगह टीम में बनना नामुमकिन है। उसके बाद पांड्या ने NCA से लेकर अपने शहर के एकेडमी में प्रैक्टिस चालू कर दी। रनिंग, बॉलिंग और बैटिंग में काम करना शुरू कर दिया। अब वो बॉलिंग स्पीड और हिटिंग की काबिलियत को बढ़ाने में जी तोड़ मेहनत करने लगा। IPL के कुछ दिन पहले ही पांड्या ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि वो प्रैक्टिस कर ही ये सोच के रहे हैं कि वो अब इंडियन टीम में आएंगे तो एक ऑलराउंडर बन के, नहीं तो नहीं आएंगे। पांड्या के इस एटीट्यूड के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें।